माँ गायत्री जन सेवा संस्थान द्वारा 24 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2023 तक लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव 2023 का आयोजन कांशीराम स्मृति उपवन आशियाना लखनऊ में होगा। इस बात की जानकारी मान्यवर कांशीराम स्मृति उपवन सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल पर आशियाना लखनऊ में माँ गायत्री जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव 2023 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली अनेक विभूतियों को लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल होंगे। प्रेसवार्ता में अरुण प्रताप सिंह, विनय दुबे, रणवीर सिंह, गुंजन वर्मा, शुभांकर भट्टाचार्य, शिमुल बासु रॉय, हेमू चौरसिया, संदीप शुक्ला, अमित तिवारी, मुकेश मिश्रा और प्रदीप शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव प्रदेश उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन माँ गायत्री जनसेवा संस्थान, नेशनल वेलफेयर फाउंडेशन एवं दो और संस्थाएं हैं जो हमारे बीच मध्य में लोगो लगा हुआ है, करियर कोच समन्वय इनिशिएटिव, चार संस्थाएं हैं और इन चार संस्थाओं के समायोजन के साथ साथ ये कार्यक्रम किया जा रहा है लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव, जो प्रदेश के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, अन्य गतिविधियों के साथ संयोजित हुए ये कार्यक्रम किया जाएगा, जिसका मैं कहता हूं कि एक महासंगम होगा जो हमारे भारत के शिल्पकारों के लिए एक महासंगम होगा। देश के लगभग 28 राज्यों से शिल्पकार, कलाकार बंधु हमारे इस महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें से भी 2-3 प्रदेशों से हमारे यहाँ कुछ शिल्पकार लोग आ रहे हैं, जो कहते नहीं हैं कि हर जगह के हर क्षेत्र का एक अपनी पहचान है। उत्तर प्रदेश में हर जिले अपने आप में एक प्रोडक्ट में माना जाता है, इसी तरीके से हर प्रदेश भी अपने प्रोडक्ट में अपना एक समय रखता है, कीमती अपना विजन रखता है और उन प्रोडक्ट को लेकर के आज शिल्पकार बंधु हमारे इस लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव में आएंगे, शिरकत करेंगे और मैं जितने भी हमारे स्टाल आएंगे, जितने भी हमारे आयोजक आएंगे जो हमारे यहाँ सांस्कृतिक इस भव्य पंडाल में अपने संस्कृति और सभ्यता को संजोते हुए अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उनका भी मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जो कीमती समय निकाल करके अन्य प्रदेशों से भी आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अगर बात करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम को बात करेंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रभारी हैं गुंजन वर्मा जी, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। जो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, हमने पूरी कोशिश की है, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, अलग अलग प्रदेशों की, प्रांतों की जो एक होती है, पहचान होती है डांसिंग स्टाइल, तो हम उन सबको हम लेकर चलने का हमने प्रयास किया है और पूरा प्रयास किया है कि जो हमारे लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें। हमारे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आए थे पर ज़्यादातर हमने प्रयास किया है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ाने वाले जो डांस फॉर्म है उनको हमने सेलेक्ट किया है। उसके साथ ही कवि सम्मेलन भी, इसमें उत्कृष्ट लेवल का कवि सम्मेलन भी होगा और कुछ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि लोक नृत्य और लोक गायन में आपको मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, चरकुला नृत्य, जोगनी नृत्य, आला उदल गायन, राजस्थान का घूमर, झारखंड का फगुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, महाराष्ट्र का लामड़ी, इस तरीके के बहुत सारे डांस फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। कुछ फैशन वॉक भी मिलेगी लेकिन हमने पूरा ध्यान रखा है कि वो पूरी तरीके से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाने वाली हो, किसी भी तरह का आपको कोई कूढ़पन हमारे स्टेज पे देखने को नहीं मिलेगा। कुछ सेलिब्रिटीज भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ रहे हैं, जैसे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट का एक डांस ग्रुप है वो मंच पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अल्ताफ रजा जी, 1 फरवरी को उनका कंफर्मेशन मिला है, वो आ रहे हैं और भी सेलिब्रिटीज से बात चल रही है, जल्दी आपको कुछ नाम और भी सुनाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के बस मैं यही बोलूँगी कि इस मंच के माध्यम से हम अपनी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।